हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसके एमपी फिफ्थ और एट का रिजल्ट बात करेंगे। तो जो रिजल्ट है कब रिलीज़ किया जाएगा, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है आज की वीडियो में। मेक श्योर की वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप चाहे पहली बार आए हैं, वीडियो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका आरएसके एमपी का जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो रिलीज़ किया जाएगा इन द मंथ ऑफ जून, 28 जून, यानी आज रिलीज़ किया जाएगा। टाइमिंग भी इसमें बताई गई है 4 PM, 4 बजे करीब आपका जो रिजल्ट है वो लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये पूरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि न्यूज़ की सबसे बड़ी वेबसाइट। फिलहाल इस पर बात करें, ये लाइव अपडेट है, आप इसमें जाकर चेक कर सकते हैं और इसमें डाउन के स्टेप भी लिखे हुए हैं। तो छोटा सा आर्टिकल है, जाकर चेक कर लीजिए, पढ़ भी सकते हैं इसे। और कहते हैं 4 PM का लिखा हुआ है, टाइमिंग भी इसमें मेंशन है, तो बेहतर है कि एग्जैक्टली 4 PM पे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। डाउनलोड के स्टेप इसमें कुछ खास नहीं दे रखे, लेकिन छोटे शॉर्ट फॉर्म में दे रखे। सबसे पहले तो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आपकी वेबसाइट है rskmp.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिलेगा। लिंक आपको जनरली होम पेज पर मिल जाता है, कभी कभी टैब भी बनी होती है जो कि आपके सेकेंडरी सेक्शन या सीनियर सेकेंडरी के नाम से, बाकी क्लास के नाम से भी होती है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जो कि रिकमेंड कहलाता है, और या फिर आपकी जो है लेटेस्ट सेक्शन में सिंपली डायरेक्ट लिंक डाल देते हैं। अब लिंक पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करना होगा यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, और फाइनल लॉगिन के बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा स्क्रीन पर। स्टेप को फॉलो करके आप अपने रिजल्ट को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और अपना चेक भी कर पाएंगे। सेव कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। थैंक यू।